नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। तीन लाख सैनिकों की कटौती करेगा चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपने सैनिकों की संख्या में 3 लाख तक की कटौती करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ पर देश के सैन्य बल का भव्य प्रदर्शन करने के लिए तियानमेन चौक पर आयोजित बड़ी परेड का उद्घाटन करते हुए जिनपिंग ने ये घोषणा की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन हमेशा से दुनिया में शांति का हिमायती रहा है, भविष्य में भी वो शांति और विकास के रास्ते पर चलेगा। सैन्य बल में कटौती इसी योजना का अहम हिस्सा है। परेड में चीन ने अपने परमाणु अस्त्रों का भी भव्य प्रदर्शन किया। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, लड़ाकू विमान और कई बड़े हथियारों का प्रदर्शन भी इस मौके पर किया गया। पाक ने फिर उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत नाराज। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की पाकिस्तान की मांग को दृढ़ता से खारिज करते हुए भारत ने कहा है कि राज्य देश का अभिन्न अंग है और इसके नागरिकों ने लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राज्य सरकार को चुना है। भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाने के लिए इस्लामाबाद की तीखी आलोचना की। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि ये मंच इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का है, जहां पर 2030 के विकास एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि की इस मुद्दे पर टिप्पणी पूरी तरह से अप्रासंगिक है। वन रैंक वन पेंशन पूर्व सैनिक सरकार से समझौते के करीब। ऐसा लगता है कि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों और सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं। इन अटकलों ने तब जोर पकड़ा जब पूर्व सैनिकों ने बुधवार रात कहा कि वे हर साल पेंशन की समीक्षा की अपनी मांग के बजाय हर 2 साल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं। पिछले 80 दिनों से जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जारी प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे और युद्ध में हिस्सा ले चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल सतवीर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें सरकार से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। सिंह ने कहा कि ये मुद्दा तोलमोल वाला नहीं है और वन रैंक वन पेंशन की अवधारणा के दोनों तत्वों में दखल नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक बार हमें ये पता चल जाए कि सरकार क्या पेशकश करने वाली है, तभी हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं।